नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय आपको सीधा कुरुक्षेत्र से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मैं खड़ा हूं कुरुक्षेत्र ट्रेड फेयर में। दोस्तों जिस तरीके से पिछले समय के अंदर भी करनाल के अंदर करनाल ट्रेड फेयर लगा था, ऐसा ही कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र ट्रेड फेयर लगा है, जो कि अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को अब अगर आप चाहते हैं कि वो इंजॉय करें अपने कुछ मूवमेंट्स को आपके साथ, और ऐसे में अपने बच्चों को यहाँ पर आप लेकर आ सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कुरुक्षेत्र ट्रेड फेयर यहाँ पर शुरू किया गया है, और यहाँ पर आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के लिए जिस तरीके से यहाँ पर झूले लगाए गए हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं और भी यहाँ बहुत कुछ है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आपको सब कुछ दिखाते हैं कि किस किस तरह के स्टॉल्स लगे हैं, बच्चे कैसी कैसी गेम्स खेल सकते हैं और क्या क्या चीज़ खाने के लिए हैं और झूले कैसे हैं। तो चलते हैं सीधा और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा गेम चल रहा था, तो यहाँ पर ये कुछ ग्लासेस रखे हुए हैं और इन ग्लासेस को आपको गिराना है, लेकिन गिराना कैसे है, इस बॉल से। और अगर आप इस बॉल से गिरा देते हो तो आपको इनाम मिलेगा, 200 रुपये का इनाम मिलेगा। तो आप गिरा रहे हो, चलो गिराओ देखते हैं। तो यहाँ पर ये गिलास इन्होंने गिराने की कोशिश की लेकिन ये गिरे नहीं, और ऐसे में थोड़ा आगे और चलते हैं। ये गेम भी यहाँ पर खेलने के लिए है, कुछ और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप रिंग फेंकते हैं तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, और ये हमने बचपन में बहुत खेला है। और यहाँ पर तो भैया यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर रिंग डल गिरता है वो ही आपको हो जाता है। हाँ चलाओ, वही गेम है जो छोटे बचपन में खेलते थे हम। अच्छा उस पर गिरेंगे तो 100 रुपये मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल थोड़ा और आगे चलते हैं, तो आगे जो है फिलहाल यहाँ पर भी एक गेम है इन्होंने रखा हुआ है। और भैया ये गेम कौन सी है, इसमें क्या होता है? इसमें 6 बॉलें होती है, उनको नंबरों में प्ले करनी होती है। आपने जिस नंबर में प्ले करते हो सबका ऐड होता है, टोटल ऐड में कोई भी मैच नंबर आता है ना उसी का प्राइज मिलता है। जो नंबर जिस चीज पे लिखा है वो चीज आपकी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी, मतलब दर्शकों की हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है बच्चों के लिए खिलौने हैं, तो अगर आप यहाँ पे आके ये गेम खेलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आके जो है यहाँ जरूर ट्राई करें, तो वो खिलौना आपका हो जाएगा। और छोटा सा चांस लोगे तो हो सकता है वो चीज़ आपको मिल जाए। और यहाँ पर जो है गुब्बारे जो है छोटे छोटे, उनके ऊपर निशानेबाजी हो रही है। तो यहाँ पर जो है ये भी हमने बहुत खेला बचपन में, हम खेलते थे, काफ़ी मज़ा आता था। और ये छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं मेलों के अंदर, यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये अपने बचपन को जीने का एक वही चीज़ें हैं जो हम बचपन में खेलते थे, बचपन में हम इंजॉय करते थे, और वही चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पे भैया यही निशाना लगाना है, इस पर क्या करना है? इंजॉयमेंट का गेम है भैया, सिर्फ कोई प्राइज वाला गेम नहीं है। अच्छा, कुछ भी रिवॉर्ड प्राइज नहीं है, खाली इंजॉयमेंट का गेम है। इंजॉयमेंट का गेम है, निशाने लगाओ मजे लो, एक नंबर बिल्कुल। गुब्बारे के फूटते आवाज ऐसी आगे पट देनी थी, ये लो। तो यहाँ पर जो है फिलहाल ये लगा रहे हैं निशाना, तो लगाइए जी। तो ये निशाना लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है फिलहाल, तो यहाँ पर जो है फिलहाल आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी निशाना लगा रहे हैं, और आप भी आकर जो है निशाना लगाएं। तो थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको सबसे पहले झूले दिखाते हैं। तो और झूलों से पहले यहाँ पर कुछ डांस दिखाते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं यहाँ पे, और वो भी आकर जो है यहाँ पे डांस का लुत्फ उठा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए डांस प्रोग्राम भी चल रहा है कुरुक्षेत्र ट्रेड फेयर के अंदर, और बारी बारी से बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ही देख लीजिए, ये जिगजैग तरीके से देखिए लोग झूले ले रहे हैं, और ये काफी ज्यादा
जो है आपको एंजॉय देने वाला है। और आपको जब इस पर आना है तो अपना दिल पक्का करके जरूर आइएगा, क्योंकि जब ये चलता है तो सिर घूम जाता है। तो यहाँ पर इससे आगे भी चलते हैं और आपको कुछ और दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए भी कुछ झूले हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको थोड़ा थोड़ा इंजॉय करना है, तो उनके लिए छोटे छोटे से एरोप्लेन्स हैं आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए, छोटे छोटे हवाई जहाज। और पीछे की तरफ है ये एक लंबा सा शिप, आप देख सकते हैं ये ड्रैगन वाला झूला। तो ये ड्रैगन वाला झूला जो है ये आपके होश जरूर उड़ा देगा, क्योंकि जब आप इस पर बैठेंगे तो ज़रूर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जब चलता है तो इसकी जो स्पीड है वो आपको हिला के रख देगी। और इससे पीछे जो है ये वही झूला है बड़ा वाला, जिससे आपको पूरा शहर दिखता है। अगर आपको पूरा शहर देखना हो तो आप इस पे चढ़ जाइए, पूरा शहर ना दिखे लेकिन आसपास का 3-4 किलोमीटर का एरिया तो आपको ज़रूर दिख जाएगा, तो आपको नज़ारा भी रात का अच्छा मिलेगा। थोड़ा और पीछे चलते हैं इस झूले से, तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए मिकी माउस वाला झूला। इस मिकी माउस वाले झूले के ऊपर बच्चे जो हैं जंपिंग करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। और इनकी एक्टिविटी देख के हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है, हम भी ऐसे ही इस पर झूला करते थे। और बच्चे जो हैं आप समझ सकते हैं नटखट होते हैं, प्यारे होते हैं, और अपने नटखट प्यारे बच्चों को घुमाने के लिए आप यहाँ पर आएँ और इस ट्रेड फेयर का आनंद लें, जो कि आपके कुरुक्षेत्र के अंदर लगाया गया है और ये 27 तारीख तक रहने वाला है। और इधर अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी छोटी छोटी कारें और ये झूले भी यहाँ पर हमने बचपन में बहुत लिए। और इधर पीछे आ जाती है हमारी ये ट्रेन, प्यारी सी ट्रेन, हमारी रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी जो है आप समझते हैं ये सबके दिलों को छूती है, जैसे कि हमारे देश की धड़कन रेलवे है, वैसे ये बच्चों की धड़कन रेलगाड़ी है। तो इस रेलगाड़ी के वो चलाया जाता है और फिर नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं। तो आपके प्यारे बच्चे अगर खुश हो जाएं तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और साथ में उनकी मम्मी भी खुश हो जाती है जब उनको गोद में लेके बैठती हैं। तो थोड़ा और पीछे चलते हैं और दिखाते हैं हमारा जो राजा है, वैसे शेर बोलते हैं राजा, लेकिन हाथी राजा से कम नहीं है, और हाथी के ऊपर बैठे हैं नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे। तो यहाँ पर बच्चों से बात करते हैं, बेटा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? तो बच्चा जो है वो फिलहाल कुछ नहीं बोला, उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। तो पीछे की तरफ ये देख लीजिए कि जंपिंग करने के लिए फ्री एक्टिविटी का एक ये भी यहाँ पर जो है झूला ही है। और यहाँ पर जो है आप आकर अपने बच्चों के लिए जो फ्री एक्टिविटी करना पसंद करते हैं वो यहाँ कर सकते हैं। और पीछे एक और ड्रैगन वाला झूला ये है, और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए यहाँ पर ये प्यारे प्यारे झूले लगाए गए हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई से बोर हो जाते हैं, सुबह से शाम पढ़ते हैं, घर में अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, लेकिन अब वो बोर हो चुके हैं, तो उन्हें घर से बाहर निकालिए और यहाँ पर आनंद उन बच्चों को दीजिए इन झूलों का। एक और प्यारी सी नन्नी मुन्नी सी रेलगाड़ी यहाँ पर भी है। और पीछे की तरफ चलते हैं, तो अगर आपको खुली खुली जैसे ऑफ रोडिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, जीप में बैठते हैं, तो ये इधर आपकी जीप भी इधर मौजूद है, ओपन जीप, वैली जीप। तो यहाँ पर जो है इस जीप का आनंद भी छोटे छोटे बच्चे ले सकते हैं, और बाइक जो है वो भी यहाँ पर रेसिंग बाइक जो बच्चों के लिए, ये तो उनके ही बच्चों के लिए रेसिंग बाइक बनाई गई है, बड़ों की और होती है। तो यहाँ पर पीछे अब बात आ जाती है कि झूले जो हैं वो आपने ले लिए हैं, तो कुछ खाने पीने का भी जो है वो आनंद ले लिया जाए, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ी बोटिंग भी कर ली जाए। तो बोटिंग जो है वो आप देख लीजिए कि प्यारे बच्चे अपने हाथों से बोट चला रहे हैं, तो आप देख लीजिए ये भी बड़ी प्यारी है। और बच्चे इसको देख के मन तो बहुत कर रहा होगा इसको देख कर, प्यारे प्यारे बच्चों का, और अगर आपका भी कर रहा है और उनकी मम्मियों का भी कर रहा है, तो अपने प्यारे बच्चों को यहाँ पर लाएं और इस ट्रेड फेयर का आनंद ज़रूर लें, क्योंकि ये ट्रेड फेयर काफ़ी ज़्यादा बच्चों को खुश करने वाला है, इंजॉय देने वाला है। और यहाँ पर बात भी करने की कोशिश करेंगे जो संचालक हैं इस ट्रेड फेयर के, क्या कुछ फीस है वो भी बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। और पीछे की तरफ भी अगर चलें तो पीछे की तरफ अब बात आ जाती है हमारे राजस्थान का सबसे, क्या जहाज़ बोलते हैं, राजस्थान का जहाज़। तो ये राजस्थान का जहाज़ है हमारा कैमल, हमारा ऊँट। तो ये ऊँट के सवारी जो है वो कैसे ना की जाए, तो वो यहाँ पर जो है वो भी सवारी पूरे के पूरे पूरा राउंड लेकर आपको ये करने वाले हैं। अपनी आइए फोटोज क्लिक कीजिए और अपने मूवमेंट्स को आप रंगीन बनाइए। और इधर पीछे भी ड्रैगन वाली ट्रेन आ रही है, और देख लीजिए ये प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं इधर
ये और प्यारे प्यारे बच्चों के डैडी भी हैं, उनकी मम्मियाँ भी हैं, उनके दादी भी हैं, तो ये तो सभी बैठे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये है कि बचपन को हर कोई जीना चाहता है, सुबह से शाम हम मेहनत करते हैं, बचपन को हर कोई जीना चाहता है और आपका बचपन यहाँ पर जो है आप जी सकते हो। तो ये वही है हमारी रेलवे की आवाज़, और आपने सुनी। और पीछे की तरफ चलते हैं तो कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। अगर कुछ खाने पीने के स्टॉल्स आपको चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पीछे की तरफ आप देख लीजिए, आपको आइसक्रीम लेनी है, आपको कॉटन कैंडी लेनी है, कॉटन कैंडी है। अगर आपको कुछ चाइनीज़ खाना है, फूड खाना है, पीछे बैठने की सुविधा भी है। और यहाँ पर जो है पीछे कुछ और भी छोटे छोटे जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं, पीछे की तरफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, वहाँ पर भी कुछ खाने पीने का काफ़ी कुछ है यहाँ पे। ये देख लीजिए हमारा ऊँट वापस आ गया, तो ऐसे ही आपको काफ़ी लंबा जो है चक्कर लगाकर ये ऊँट लेकर आएगा। और इधर पीछे भी जो है, अगर आपको स्वीट कॉर्न खाने के शौक़ हैं, पॉपकॉर्न खाने का शौक़ है, और आपको भेलपूरी खाने का शौक़ है, तो ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और गोलगप्पे तो लेडीज़ के जान होती है, महिलाओं की जान होती है, तो गोलगप्पों का भी यहाँ पे आप आनंद ले सकते हैं। गोलगप्पे भी हैं, और गोलगप्पों के साथ साथ हमारा राम लड्डू, जो राम लड्डू है वो भी यहाँ पर है। तो राम लड्डू सबको पसंद है, तो वो आएँ और देख लीजिए यहाँ पर ताज़े ताज़े राम लड्डू और उनके पकौड़े जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। अब पीछे की तरफ अगर हम चलते हैं तो पीछे की तरफ आपको पूरा एक बार दिखा देते हैं कि हमारा जो ये ट्रेड फेयर है, कुरुक्षेत्र ट्रेड फेयर, जो कि कुरुक्षेत्र में लगाया गया है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आपसे फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अभी कुछ और भी है दिखाने के लिए यहाँ पर, जो है आपको बता दें कि जो इसका एड्रेस है वो है कुरुक्षेत्र का पेवा रोड पर जो थीम पार्क पड़ता है। आप पीछे देखते रहिए, मेला मेले का एंजॉय भी कीजिए। जो थीम पार्क पड़ता है ये वहीं पर मेला लगा हुआ है कुरुक्षेत्र की पेवा रोड के ऊपर। और जो भी दर्शक हैं वो इस वीडियो को भी शेयर करें और ख़ुद भी यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ के मूवमेंट्स को एंजॉय करें। अब पीछे आपको बता दें कि डर का सामना कौन करना चाहता है, शायद कोई कोई करना चाहता है, लेकिन आपको डर का सामना अगर करना हो तो यहाँ आके आप अपना टेस्ट ले सकते हो। और यहाँ पर टेस्ट लेने के लिए अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ज़रूर लेके आएँ और देखें आपके बच्चे में कितना दम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल हम आए हैं। तो हाँ जी भैया, ये यहाँ पर आपने क्या बनाया है? ये भूत बंगला बनाया सर। भूत बंगला, तो इस भूत बंगले में क्या कुछ है? इसमें छोटे बच्चे बड़े सब जाते हैं, अंदर डरते हैं, डरावनी साहब है सब। अच्छा, इसमें डमी है, चार पांच लड़के हैं, डराने बंदा वापस आ जाता है बार फिर? हाँ, डर जाता है बंदा, डर जाता है। बढ़िया, तो यहाँ पर भी आपको कुछ दिखाएंगे कि अंदर क्या कुछ है, लेकिन यहाँ पर आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम भी देखने वाले हैं कि क्या कुछ है डर के लिए और डर का सामना आपके बच्चे कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बिल्कुल भूत बंगले के अंदर आ चुके हैं, और ध्यान देना होगा हमें भी अपना ध्यान रखना है, और आप भी देखते रहिए। ऐसा लग रहा है कि वाकई में हम किसी भूत बंगले में आ गए हैं। तो ये एंट्री है, ये देखिए ये एंट्री है। तो यहाँ पर जो है फिलहाल देखिए सामने की तरफ ये अचानक से ये देखिए, तो यहाँ पर जो है ये आपके, तो ये देखिए सामना। अभी तो लाइट थी, अगर ये लाइट ना होती तो शायद हमें भी डर लगता, क्योंकि यहाँ पर डर का सामना बहुत कम लोगों ने किया होता है। तो ये सब इंजॉयमेंट के मोमेंट्स हैं, यहाँ आप आ सकते हैं और अपने बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं। और आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल पीछे बच्चे जो हैं वो डांस कर रहे हैं, और वहाँ पर जो है एक बार चलते हैं कि वहाँ पर डांस करने के लिए क्या कुछ है और बच्चों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं।
तो दोस्तों प्यारे प्यारे बच्चे डांस कर रहे हैं और बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। बात करने की कोशिश करते हैं, हरमन जी आ जाइए इधर और थोड़ा बताइए कि बच्चों के लिए क्या एक्टिविटी है यहाँ पे, डांस वगैरह का क्या है, थोड़ा बताइए इसके लिए। सबसे पहले सर IP24 का हार्दिक स्वागत है कुशेत्रा ट्रेड फेयर में। सर यहाँ पे आज तो है कॉम्पिटिशन और आने वाली 27 तारीख को रहेगी बहुत बड़ा महंगी वाला डांस कॉम्पिटिशन होने जा रहा है इस मंच पे, जिसमें सर हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज गेस्ट बुलाएंगे, लाइक मॉडल्स जिन्होंने तकरीबन 10-15 सॉन्ग्स में काम कर रखा है। तो ये बता रहे हैं 27 तारीख तक ही मेला जो है लग रहा है। हाँ जी 27 तारीख इसकी आखिरी तारीख है। हाँ जी, और 26 तारीख को सर इस मंच पे बड़े बड़े सिंगर्स आ रहे हैं, मॉडल्स आ रहे हैं। ओके, और अपकमिंग संडे है, इसमें सर अभी चौहान सर आएंगे हमारे बीच में और बच्चों से कहेंगे कि बच्चे आए इंजॉय करें। बिल्कुल जी, और डांस भी एंजॉय करें। सर सबसे मेन बात ट्रेड फेयर की, जो बच्चा अच्छा डांस करता है उसके लिए सर झूले फ्री हैं। दोबारा बताइए। जो बच्चे सर अच्छा डांस करते हैं उनके लिए झूले फ्री हैं। अच्छा, ये केवल एक ऐसा मेला है जो बच्चों को स्टेज के साथ साथ राइड्स भी देता है। जी। तो ये बता रहे थीम पार्क पड़ता है, ये थीम पार्क। हाँ जी, कुरुक्षेत्र थीम पार्क गुरुद्वारे के पास। तो यहाँ पर जो है थीम पार्क में आए कुरुक्षेत्र के और इस मेले का आनंद उठाएं। ये पूरा मेला देख लीजिए, काफी अच्छा मेला है। और आकर अपने कुछ ऐसे मोमेंट्स, अगर आप बोर हो गए घर बैठे बैठे, तो प्यारे प्यारे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लाएं। सिर्फ नन्हे मुन्ने ही नहीं, अगर आप भी खुद महसूस करते हैं कि आप आज भी उतने ही छोटे हैं जब आप घर बैठते हैं, आप अपने बचपन को याद करते हैं, तो यहाँ पर आके अपने बचपन को जरूर जिए। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और इसके लिए अंत में ये भी बताना चाहेंगे कि ज़्यादा फीस भी नहीं है, एंट्री फीस बहुत 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 कम है। तो फिर से कहना चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करें, फिर से जुड़ेंगे IP24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।